दोस्तों राम मंदिर बनाकर तैयार कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद हर कोई बिल्कुल हैरान है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और महेंद्र टीवी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहीं पूरा देश इन दिनों राममय हो चुका है। ऐसे में उदयपुर में जब अयोध्या में लगने वाली 108 फीट की अगरबत्ती पहुंची तो हजारों भक्तों का हुजमू उमड़ पड़ी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी देखा जा रहा है जहां 2003 के बाद भारत समेत दुनिया भर से गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। 1990 के डिकोड से भारतीय गिद्धों का लगभग प्रजातियां विलुप्त थी, क्योंकि जो प्रभु श्री राम की मदद करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने में जरा भी संकोच नहीं की और ना ही रावण से युद्ध करने में, जबकि माता सीता का रावण हरण करके पुष्पक विमान से ले जा रहा था। तब गिद्धों के राजा महाराज जटायु ही थे जो रावण से युद्ध की। रावण ने इनके पंखों को बेरहमी से काट दिया था, लेकिन फिर भी जटायु ने अपने मुख से राम नाम लेना नहीं छोड़ा और प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करते रहे। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को लेकर खोज कर रहे थे, पर जटायु बिल्कुल ही जख्मी हालात में थे। रामायण के अनुसार राम ने उनसे पूछते हैं कि ये हाल आपकी किसने की है। तब जटायु बताते हैं कि रावण अपने विमान से माता सीता को लेकर गया, जिससे मैंने रावण से माता सीता को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावण ने मेरे पंखों को तलवार से काट दिया, जिससे मैं माता सीता बिल्कुल ही बचा नहीं पाया। राम की मदद करते हुए महाराज जटायु ने मरते वक्त भी प्रभु राम से कहते हैं कि रावण सीता माता को अशोक वाटिका में लेकर गया है, जो मेरी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं। ये कहते हुए ही जटायु अपने प्राणों को त्याग देते हैं। प्रभु श्री राम ने महाराज जटायु की अंतिम संस्कार की और तभी से कहते हैं कि 1990 से लेकर 2002 से ही गिद्धों की बहुत ही कम जनसंख्या हो चुकी थी, लेकिन जब से प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तभी गिद्धों को सबसे पहले कानपुर में और अयोध्या में देखी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि गिद्ध भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखना चाहते हैं। दोस्तों कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों और साइंस रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण और महाभारत जैसी घटना कभी हुई ही नहीं है, लेकिन जब 1823 में सर आर्थर काटन ने पंबन चैनल का सर्वेक्षण किया, जो भारत मुख्य भूमि और रामेश्वर आइसलैंड से अलग करता है और राम सेतु पुल की पहली कड़ी बनाता है, जिसे रामायण होने का सबूत पुख्ता मिलता है। यही नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से दो सबसे बड़े पत्थर लाया गया था, जो एक 14 टन की और दूसरी 27 टन की थी, लेकिन इस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तराशा जाना शुरू किया गया, लेकिन मूर्तिकार के अनुसार उस पत्थर को कोई भी तोड़ नहीं पाया। लेकिन मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार उन पत्थर को संतों की नाराजगी जताई गई थी, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिला की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकार ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना भी असंभव था, लेकिन कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में लगाई जाएगी। मंदिर परंपरागत नगर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिला है, हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 खंभे हैं और 44 द्वार है। यही नहीं, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि भव्य राम मंदिर में दरवाजों को कैसी बनाई जा रही है। अब राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों की भी कीमत के बारे में जानते हैं। दरवाजों की बात करें तो पूरे मंदिर में कुल 46 दरवाजे हैं। इनमें से 14 दरवाजे ऐसे हैं जिन पर सोने की परत लगाई जाएगी। इन दरवाजों पर सोने से कलाकृतियां बनाई गई हैं। राम मंदिर में सभी दरवाजे सागवान की लकड़ी से बनाए गए हैं। ये लकड़ी कई सालों तक एक जैसी रहती हैं और खराब बिल्कुल भी नहीं होती हैं। यही वजह है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा है। सागवान की लकड़ी की कीमत 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए पर क्यूबिक मीटर तक होती है, लेकिन अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भव्य राम मंदिर की 46 दरवाजों की क्या कीमत हो सकती है। देहरादून में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से राम मंदिर में सागवान की लकड़ी लगाने का सुझाव दिया गया था। इंस्टीट्यूट ने बताया है कि सबसे मजबूत लकड़ी महाराष्ट्र का टीक वुड है, जिसके बाद इस लकड़ी को मंदिर के दरवाजों के लिए चुना गया है। अगर आप लोग राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।